कंगना रनौत जो आजकल बॉलीवुड में बड़े सुपरस्टार्स द्वारा ड्रग्स यूज करने का दावा कर रही हैं, अब फिर से सुर्खियों में हैं। कंगना ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस को लेकर दिए बयान के बाद संजय राउत ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस का अपमान किया है और अगर उन्हें मुंबई आने में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। संजय ने यह बयान तब दिया जब कंगना ने कहा कि वो बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स के रैकेट का खुलासा करने में मदद करेंगी, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए हिमाचल पुलिस या सेंट्रल एजेंसी से, क्योंकि वो मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं करती। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने उन्हें खुली धमकी दी है और कहा है कि वे मुंबई वापस ना आए। उन्होंने कहा कि पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है और उन्हें अब मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसा लगने लगा है। कंगना रोट, संजय राउत शिवसेना लीडर हैज गिवन मी एन ओपन थ्रेट एंड आस्क मी नॉट टू कम बैक टू मुंबई आफ्टर आजादी ग्रेफिटीज इन मुंबई स्ट्रीट्स एंड नाउ ओपन थ्रेट्स व्हाई मुंबई इज फीलिंग लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कंगना ने रणबीर कपूर, विक्की कौशल और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स को अपना ब्लड सैंपल ड्रग टेस्ट के लिए देने के लिए भी कहा है ताकि वो ये रूमर्स बस्ट कर सकें कि वो कोकेन एडिक्ट्स हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंटरटेनमेंट जगत की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए मूवी टॉकीज से। कैसी लग रही हूँ मैं आज? मैंने अपनी फ्रेंड बॉलिना की दी हुई गिफ्ट, इसे फनिक कहते हैं, ये ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेस है और मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ इंडिया में फैशन के नाम पे सोचते हैं ऐसे वेस्टर्न फैशन ही फैशन है, और मेरी ये शिकायत है जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं एडिटोरियल्स शूट करती हूँ और बहुत ही बड़े बड़े महान डिज़ाइनर्स भी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर यूरोपियन फैशन से इंस्पायर होके, उनके गाउन्स की सिल्वेट से इंस्पायर होके, उनके फैब्रिक से इंस्पायर होके, या चाइनीज हनफूज या जापानीज किमोनोज सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन हमने अपने ही देश के ऐसे ना जाने कितने अनमोल आर्ट हैं, कलाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट्समैनशिप है, हैंडलूम है, जिनको इग्नोर किया है। एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट को कभी भी मेन स्ट्रीम इंडियन रिप्रेजेंटेशन में जगह नहीं मिली है, एंड मैं चाहती हूँ हम ये चीज़ बदलें। और आज जब कुछ ही हफ्तों में मेरी ट्विटर फैमिली 1 मिलियन हो चुकी है, आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल थैंक यू वेरी मच एंड चीयर्स टू आर ग्रोइंग फैमिली। थैंक यू। हम ऐसा माने कि 2020 में ऐसे आप शादी का पंगा लेने वाली हैं? यू नो ये जब से मुझे चाहिए है, कि इसकी शादी हो जाए, मेरी शादी करवाने के चक्कर में है। बट ऑनेस्टली मुझे हमेशा लगा था सारी मैंने ढूंढ ली है, वेन्यू तैयार कर ली है, बस लड़का ढूंढना बाकी है। हाउ मच ही एम्बैरेसेस मी, बट नो मैं एक्चुअल में मुझे हमेशा लगता था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी इन अ मैरिज वेयर यू नो यू कैन हैव अ इक्वल कंपेनियनशिप। बट जब से मैंने अश्विनी जी की मैरिज देखी है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैरिज लाइक दैट इज़ पॉसिबल। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ नितेश सर, हाउ ही सपोर्ट्स हर, एंड इनकी जो क्रिएटिव कोलेबोरेशन है, एंड यू नो द वे दे आर टुगेदर एंड हाउ सपोर्टिंग ही इज ऑफ हर, एंड हाउ यू नो लाइक बींग अ वुमन, बींग अ वर्किंग वुमन, शी इज़ नेवर lost the feminine side of her, you know, like the beautiful side of her, because women are, when you are leading a crew of 100 people kahin na kahin aap you tend to lose the beautiful gentle side of yours, kyunki log to kitne deet hote hain, but in her case she has not, so big round of applause for her।